आज का विषय है वो है, मैं भारतीय डाक पिन के बारे में बताऊंगा। सरकार हर साल 15 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक डाक पिन सप्ताह मनाती है। इसका यही उद्देश्य है कि बच्चों को डाक पिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, और इसके हर एक स्कूलों में, कॉलेजों में, आईटीआईज में, संस्थान में इससे अलग अलग जो है आयोजन कराए जाते हैं, ताकि डाक पिन की महत्ता का बच्चों को पता चले। डाक पिन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम कोई भी रजिस्ट्री कराएंगे, तो कोई पोस्टल रजिस्ट्री कराएंगे तो डाक पिन की ज़रूरत होती है, वो बिना उसके नहीं होगी। या हम कोई पार्सल भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, कहीं से सामान कर रहे हैं, तब भी हमें डाक पिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त कोई हम ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर रहे हैं या कहीं कोई लेटर डाल रहे हैं, तब भी हमें डाक पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें डाक पिन की इसीलिए बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। डाक पिन की जो इसकी जानकारी मैं अभी आपको देता हूँ कि ये सबसे पहले 15 अगस्त 1972 को श्री राम भीखा जी ने शुरुआत की थी इसकी। उससे पहले जो हमारी चिट्ठियाँ थी वो ऐसे ही आती रहती थी, पते पे कोई डाक पिन नहीं होता था। डाक पिन को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि हमारा हर एक बच्चे का एक आधार कार्ड है, उसी तरह डाक पिन भी एक डाकखाना है जो उसका आधार कार्ड है। श्री राम भीखा जी ने इसके लिए, जो उनकी टीम ने बहुत बड़ा वो सिस्टम बनाया, और जो सारे भारत को, जो हमारा पूरा भारत है, इसको 8 जोन में बांट दिया। बच्चों आपको पता होगा कि डाक पिन हमारा जो है 6 अंक का होता है, तो जो सबसे पहला अंक है जो वो हमारा उस स्टेट को, उस जोन को, स्टेट को नहीं, उस जोन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे डाक पिन 1 से लेके 8 तक है, हम कहीं का भी जैसे यूपी का शुरू करेंगे तो 2 से शुरू होगा, अगर हम हरियाणा का, पंजाब का, हिमाचल का, जेके का शुरू करेंगे तो वो 1 से शुरू होगा। तो ये अलग अलग जोन बना दिए, 8 जोन, और 9वां जोन है जो वो सेना को दे दिया है, जो अगर सेना की कोई डाक जाएगी तो वो 9 से शुरू होगा। तो इसके 6 अंकों का अलग अलग महत्व है। पहला अंक हमने समझ लिया है कि पहला अंक है जो उस जोन का है, सारे भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको 8 में बांट दिया है, और 9वां अंक जो हमें उसको सेना को दे दिया है। जैसे हम देखते हैं कि शडौरा का डाक पिन है 133204, तो हम समझ जाएंगे कि 1 का मतलब क्या है कि ये हरियाणा स्टेट है, हरियाणा वाला जोन है। उसके बाद इसकी महत्ता इस तरह भी पड़ती है कि जैसे आप सोचो कि आपको एक बहुत सारे नोट दे दिए, उसमें 2000 के नोट हैं, 500 के नोट हैं, 200 का है, 100 का है, 50 का है, 20 का है, 10 का है, एक थैला भर के दे दिया, और आपको कहा कि इसको गिनो, तो क्या करोगे?